हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आजमगढ़ ब्लॉगर यूट्यूब 50 पर। दोस्तों, आज एक नई जानकारी के साथ ये वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो दोस्तों ये हमें 2-3 दिन पहले बना देना चाहिए था, लेकिन क्या करें भाई, टाइम नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, उसके बाद से आकर के हम लोगों को खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, ये सब में टाइम निकल जाता है, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। और बाकी हम लोगों को छुट्टी सैटरडे को रहेगा फुल डे, और फ्राइडे को रहेगा हाफ डे छुट्टी। तो जो भी जानकारी रहेगा हम हफ्ता में ही वीडियो शूट कर लेंगे 2-3, जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा उसके बाद आप लोगों को वीडियो हर दूसरे दिन देखने को मिलेगा विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी आज की जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, वो ये है कि जो सेकेंड राउंड के 3455 लोग हैं, उन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है और साथ में ही पेमेंट भी जमा हो रहा है, ठीक है। बहुत से भाई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, कॉल किया और बताया कि भाई साहब, आज हमने अपना पेमेंट भी जमा कर दिया, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया, तो कब तक हमारा फ्लाइट होगा। बहुत से भाई लोग ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं और सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो सेकंड राउंड वाले हैं, भाई आप लोगों का फ्लाइट जो है अभी 20 तारीख के बाद 22 तारीख से 20 तारीख से अभी पता चल रहा था, शुरू होने वाला था टिकट बुकिंग, लेकिन अभी 22 से पता चल रहा है, तो 22 तारीख से टिकट बुकिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट राउंड के भी बहुत से लोग जिनका रिजेक्ट हुआ है उन लोगों का बुक होगा, उसके बाद आप लोगों का बुक होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिए, जो लोग भी इस महीने में अपना पेमेंट वगैरह जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे सेकेंड राउंड वाले, वो लोग अगले महीना में उन लोगों का टिकट बुकिंग होगा और अगले महीने में ही उन लोगों का फ्लाइट होगा। इस महीने में कोई चांस नहीं है सेकेंड राउंड वालों का। और रही बात लास्ट डेट की, कब तक सेकेंड राउंड वाले लोग जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और पेमेंट जमा कर सकते हैं, तो उसका लास्ट डेट कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। वो एक डेट ऐसे नॉर्मली बता दिया जाता है ताकि सभी बंदे लोग तैयार हो जाएं, तैयार रहें, ताकि जैसे ही उन लोग कॉल करें, मैसेज करें, वो लोग तुरंत जाके अपना सब कुछ करा लें। क्योंकि आप लोगों को पता ही है अभी कितने बंदे आ चुके होते इसराइल में, सभी लोगों का कैंसिल हो गया, तो वो लोग सोच रहे हैं कि सबका काम जल्दी जल्दी करवा के रेडी रखें, सब कुछ रेडी रहेगा तो जब फ्लाइट शुरू होगा तो बस सिर्फ भेजना रहेगा, तो सभी लोग चाहते हैं कि सबका काम जल्दी हो, ठीक है। तो वही बात है, लास्ट डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन मान के चलिए कि आप लोग अगले महीना में 10 तारीख तक आप लोग पैसे जमा कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बना है, ठीक है दोस्तों। और जो भाई लोग अपना जमा कर दिए हैं वो लोग इंतज़ार कीजिए भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। फ्लाइट में तो अगले महीने ही फ्लाइट होगा, इस महीने कोई चांस नहीं है सेकंड राउंड वालों का। इस महीने में होगा भी तो फर्स्ट राउंड वाले जितने लोगों का रिजेक्ट हुआ है 22 तारीख के बाद, उन लोगों का टिकट बुक होने का चांस है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे अभी तो वार डेली हो रहा है, अभी भी हम लोगों के यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर अभी अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक। और हम लोगों को एक ऐप्स है, उसमें हम लोग देखते रहते हैं कहाँ कहाँ रेड अलर्ट है, तो मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगा रेड अलर्ट के ऊपर कि कहाँ कहाँ इसराइल में हमला हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, कौन सी मिसाइल गिर रही है, वो मिसाइल कहाँ कहाँ गिरता है इसराइल में, वो सब चीज़ जानकारी उस ऐप्स में रहता है दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हाँ, टेंशन ना लें, सबका काम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सभी का काम हो रहा है, ठीक है।